Hello friends, here we will discuss about the MCQs raised in AIIMS examination from 2013-17 under the chapter Neural Control and Coordination. तो आइए देखते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से AIIMS में 2013 में क्वेश्चन पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट्स इन द डायग्राम बिलो ट्रू फॉर द फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट्स तो देखिए ये लेबल पार्ट्स क्या हैं तो यहाँ पे जो आपको पार्ट वन दिख रहा है एक मिनट पार्ट वन यहाँ पे ए जो पार्ट दिख रहा है ए पार्ट यहाँ पे आपका फोबिया सेंट्रलिस है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है बी आपकी जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है सी यहाँ पे आपकी सिलेरी बॉडी है एंड डी इज द आयरिस तो इसमें से इनके फंक्शंस भी दिए हुए हैं तो ए द ब्लाइंड स्पॉट इमेज इज फॉर्म्ड हियर नो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता इमेज फॉर्मेशन यहाँ फोबिया सेंट्रलिस पे होता है फोबिया नो विजुअल एक्टिविटी इज प्रेजेंट तो ये भी गलत हो गया विजुअल एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन फोबिया सेंट्रलिस कॉर्निया हेल्प्स टू होल्ड लेंस इन द प्लेस ये कॉर्निया है ये लेंस से कहीं भी अटैच नहीं है तो ये भी ऑप्शन सी भी गलत हुआ डी आयरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई तो आयरिस कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है तो आयरिस के कलर के कारण ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी आईज जो आपकी हैं कभी किसी की ब्लू दिखती हैं ब्राउन दिखती हैं ब्लैक दिखती हैं तो ये बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आयरिस तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर क्वेश्चन नंबर टू 2014 में पूछा हुआ है गिवन इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखना है तो यहाँ पे ए को डिनोट कर रहा है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बी को डिनोट कर रहा है स्कैला विस्टिबुलाई सी स्कैला टिम्पैनी एंड डी इज द बैसिलर मेम्ब्रेन तो ये स्ट्रक्चर आपने अपने बुक में भी देखा होगा मैंने जो क्लास लिया था उसमें ये उस क्लास में सब कुछ इनके बारे में बताया था तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉस्चर तो ये राइट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऑप्शन ए करेक्ट है बी स्केला वेस्टिबुलाई तो स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ है ये स्केला वेस्टिबुलाई है जब हम ऐसे ही कॉक्लिया को अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो इस तरह से स्केला वेस्टिबुलाई ये पार्ट स्केला वेस्टिबुलाई का है फिल्ड विथ पेरिलिम्फ यस ये इसका टीएस है कॉक्लिया का तो पेरिलिम्फ इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था तो वेस्टिबुलाई फिल्ड विथ पेरिलिम्फ दैट एंड्स एट द ओवल एंड तो ओवल एंड क्या है ओवल एंड देखिए यहाँ पे कॉक्लिया में ये जो है फेनेस्ट्रा ओवैलिस ये ओवल एंड होता है और राउंडेड एंड ये होता है जो फेनेस्ट्रा रोटेंड्रम है तो ये आपका टिम्पैनम में मिलता है तो ये भी सही है बी ऑप्शन भी सही है सी ऑप्शन स्केला टिम्पैनी देखिए स्केला टिम्पैनी ये है ठीक है तो यहाँ पे सी को स्केला टिम्पैनी कह रहा है ये पोर्शन स्केला टिम्पैनी का है टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडिल ईयर टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो के पास टर्मिनेट हो रहा है और मिडिल ईयर से कनेक्टेड है तो ऑप्शन सी भी राइट है डी वेसिलर मेम्ब्रेन डी यहाँ पे देखिए वेसिलर मेम्ब्रेन है तो वेसिलर मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड अगेंस्ट इट तो वेसिलर मेम्ब्रेन पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ठीक है ना जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेसिलर मेम्ब्रेन है ठीक है ये बेसिलर मेम्ब्रेन है ये आपकी पोर्शन आपका स्केला टिम्पैनम है और यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं ओके तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों करेक्ट हैं चारों ऑप्शन करेक्ट हैं ऐसा नहीं हुआ होगा हो सकता है कि जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ से कुछ इरर आ गया होगा लेकिन ये चारों चीज़ें सही हैं तो ये आपकी रिविज़न के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो मैंने ये पार्ट डिस्कस किया था जिसमें बताया था देखिए एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर जिसमें मैलियस इनकस स्टेपस है और स्टेप्स जो है आपका जो है ओवेलिस के साथ अटैच होता है ओवेलिस जो है इसका एंड पार्ट है स्केला वेस्टिबुलाई का ये स्केला मीडिया है और ये नीचे यहाँ पे स्केला टिम्पैनम है तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही हैं तो हो सकता है कुछ इरर की वजह से ऐसा हो गया है क्वेश्चन नंबर थ्री कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमंस इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड
कार्निया को जब ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कभी रिजेक्टेड नहीं होते, मतलब जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसमें रिजेक्शन आता है, तो हम लोग वहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देकर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। बट कार्निया के ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा कोई इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं दिया जाता या इम्यूनो सप्रेसिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो रिजेक्ट भी नहीं करता उसको। तो इसके लिए कारण क्या है? इट इज़ कम्पोज ऑफ इन्यूक्लेटेड सेल, इट इज़ नॉन लिविंग लेयर, इट्स सेल्स आर लिस्ट पेनिट्रेबल बाई बैक्टीरिया, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। तो ये ऑप्शन डी, नो ब्लड सप्लाई, ये कार्निया जो है एवैस्कुलर होती हैं, दैट इज हैज़ नो ब्लड सप्लाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ना WBC होगा ना RBC होगा। और WBC ही जो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करता है वहाँ पे, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो जब यहाँ पे वैस्कुलराइजेशन ही नहीं है तो इसलिए इसी कारण से कार्निया के ट्रांसप्लांटेशन में कभी इम्यून सप्रेस करने की जरूरत नहीं है और वो रिजेक्ट भी नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड बाय पैसिव मसल मूवमेंट इज द, ये क्या है? देखिए ये जो नर्वस सिस्टम है, इस चैप्टर से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन रिस्पॉन्स टू अ पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल स्पिंडल विद इन द मसल। तो मसल में कोई पैसिव स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है, रिफ्लेक्स है ना। दिस रिफ्लेक्स इनेबल्स द बॉडी टू करेक्ट एनी अनइंटेंडेड चेंज, कोई अनइंटेंडेड चेंज है उसको करेक्ट करने के लिए बॉडी हमारी रिफ्लेक्स परफॉर्म करती है, ठीक है, इन द बॉडी पोस्चर इन ए टाइमली मैनर विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज वेल एज कीप अप्रोप्रिएट टोन इन द मसल। अप्रोप्रिएट टोन को मसल में मेंटेन करने के लिए, और कोई भी जो है इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनपुट नहीं होता है, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड पटेलर रिफ्लेक्स दैट इज सडन किकिंग मूवमेंट ऑफ द लोअर लेग इन रिस्पॉन्स टू अ शार्प टैप ऑन पटेलर टेंडन, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, तो पटेलर रिफ्लेक्स जो होता है कि सडन किकिंग मूवमेंट ऑफ द लोअर लेग्स, जब हम लोअर लेग्स पे आप पटेलर पे कोई शार्प टैप करोगे तो आपको मूवमेंट वहां पे दिखेगा, तो दिस इज अ पटेलर रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो दैट इज अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है इससे ट्रिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टैसिनियन कॉर्पसल्स अकर इन द स्किन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द मैमल्स एंड दीज आर, ये क्या है? टैसिनियन कॉर्पसल्स क्या है स्किन में जो पाई जाती हैं? तो दीज आर इनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर, ये प्रेशर रिसेप्टर होते हैं स्किन के अंदर। पैसिनियन कॉर्पसल्स आर वेरी रैपिड एडाप्टिंग प्रेशर रिसेप्टर्स इन सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ऑफ बोथ हेयरी एंड हेयरलेस वर्टिब्रेट स्क्रीन। तो ये वर्टिब्रेट स्क्रीन स्किन के नीचे, चाहे वो हेयरी हो या हेयरलेस हो, वहाँ पे आपको ये पैसिनियन कॉर्पसल्स दिखती हैं एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन मैमल्स। तो ये क्या होती हैं? ये इनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। 2017 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं नर्वस सिस्टम से या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो उस रिस्पेक्ट में नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट, देखिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स यूनिडायरेक्शनल क्यों है और इसके लिए क्या फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। उससे पहले हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक एग्जॉन का एंड है, टर्मिनल एंड है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो न्यूरो ट्रांसमीटर इस जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मूव करते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि कोई डेंड्राइट्स होगा, डेंड्राइट्स हो सकता है, सार्कोप्लाज्म हो सकता है, साइटॉन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कहाँ से चला? एग्जॉन के थ्रू, हमेशा एग्जॉन के थ्रू नए डेंड्राइट्स पे आएगा, ठीक है, तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। डेंड्राइट्स पे कोई इस तरह का बल्ब नहीं होता जहाँ पे आगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर इकट्ठे हों जो इस इम्पल्स को आगे की तरफ मूव करें, ठीक है। तो हमेशा इम्पल्स जो है डेंड्राइट से एग्जॉन और एग्जॉन से नए डेंड्राइट्स, फिर एग्जॉन, फिर नए डेंड्राइट्स, इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है। एंड ये जो आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम लोग पूरे को साइनेप्स कहते हैं।
साइनेप्टिक क्लेफ्ट दो भाई, या तो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। तो एब्सेंट कहाँ पे होता है? जहाँ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो जो इम्पल्स मूव कर रहा है उसको किसी केमिकल चेंज की जरूरत नहीं है। और दूसरा है केमिकल साइनेप्स, जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन ऑप्शन में से न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाई द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाई डेंड्राइट्स। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाई डेंड्राइट्स, ये तो गलत हो गया। सोडियम पंप स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ओनली एट द साइट ऑन एंड देन कंटिन्यूज इनटू द नर्व फाइबर, ये भी रॉन्ग है। नर्व फाइबर इज इंसुलेटेड बाई एन मेडुलरी सीथ, तो होते हैं इंसुलेट होते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिससे जंप करके वो आगे मूव कर सकता है, जहाँ पे माइलिन सीथ नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाई द एक्सॉन एंडिंग एट एंडिंग एंड एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाई डेंड्राइट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज यूनि डायरेक्शनल। तो एसर्सन और रीजन में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्पस कैलोसम कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन है, एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन ऑफ मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ये भी सही है, एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका कि कार्पस कैलोसम को दो कार्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, इसका ये रीजन नहीं है, वो उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 2014 में पूछा हुआ है, द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एट द पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल सही है कि ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आपकी ब्लाइंड स्पॉट से छोड़ती है, बाहर निकलती है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्टिक नर्व। वंस कोन आर डेंसली पैक्ड, ओनली कोन आर डेंसली पैक्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट हेंस इज द नेम, नहीं यहाँ कौन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देखिए बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ कोई इमेज नहीं बनता क्योंकि कोई भी फोटो रिसेप्टर चाहे वो रॉड हो या कौन हो वो यहाँ इस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होता है। तो रीजन गलत है, एसर्शन सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 2016 में पूछा हुआ है, ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, और रीजन दिया है मोटर न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। तो आइए देखते पहले, तो पहली एक चीज मैंने आपको सेम बताई थी, सेम मींस सेंसरी आर एफरेंट एंड मोटर आर इफरेंट, तो सेंसरी हमेशा एफरेंट होगा, एफरेंट मतलब इंपल्स को लाने वाला, और इफरेंट इफरेंट का मतलब क्या है, मोटर जो होते हैं वो इफरेंट होते हैं, वो मतलब इंपल्स को ले जाने वाले, लाने वाला और ले जाने वाला, तो सेंसरी हमेशा एफरेंट होगा। तो ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट, तो ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट, ये बिल्कुल सही है, एसर्शन सही है। रीजन देखिए, मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, नो, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा उसको जो है पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जाता है। कि जैसे अगर आपको मान लीजिए आपके हाथ को हम लोग किसी कोई सुई चुभा दिया हाथ में, तो एक तो वहां पे क्या करेगा, एफरेंट उसको लेके जाएगा, जो कि सेंस किया उसको लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत मोटर न्यूरॉन के द्वारा कहेगा कि रिफ्लेक्स के द्वारा उस चुभती हुई चीज से आप अपने हाथ को हटा लीजिए, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन कहां से चलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज तक। तो आप रीजन गलत हो गया, केवल एसर्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन दैट वर रेज्ड इन द एम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम 2013 to 2017। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम हियर ऑन द चैनल। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस इन द लास्ट, धन्यवाद।